अगर आपके पास Redmi का कोई भी फोन हो और उस फोन में आप यूज करते हो MI का ब्राउजर या फिर नहीं भी इस्तेमाल करते हो MI का ब्राउजर, तो आज मैं उस MI के ब्राउजर की एक ऐसी खुफिया सीक्रेट राज के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप अपने WhatsApp के बहुत ही इंपॉर्टेंट काम को आसानी से कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो वो कौन सी ऐसी काम है और कौन सा Redmi के फोन में सीक्रेट है, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को कर दीजिएगा एक प्यारा सा लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी मोटिवेट करता है और भी खुशी देता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को कर दीजिएगा एक प्यारा सा लाइक। अगर आपके पास Redmi का फ़ोन है और आप इस्तेमाल करते हो साथ में WhatsApp भी, तो अगर आप WhatsApp भी इस्तेमाल करते हो, Redmi का फ़ोन भी इस्तेमाल करते हो, और अगर आपके पास Redmi का फ़ोन है तो उसमें Xiaomi का ब्राउज़र भी होगा, और ब्राउज़र है तो उसी ब्राउज़र की आज एक बहुत ही खास खुफिया ट्रिक बताऊंगा जो रिलेटेड है WhatsApp से और आपके Xiaomi फ़ोन से। जी हाँ दोस्तों, हम अपने दोस्तों के जो भी WhatsApp स्टेटस होते हैं उसे डाउनलोड करने के लिए हम Google Play Store से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, या फिर हम अपने फाइल मैनेजर में जाकर सो हिडन फाइल्स को ओपन करके और स्टेटस से जाकर हम अपने स्टेटस को देख पाते थे, डाउनलोड कर पाते थे। लेकिन अगर आपके पास Xiaomi का ब्राउज़र है तो आपको करना है उस Xiaomi के ब्राउज़र को ओपन, और जब आप उसे ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टॉप में देखेंगे, देख सकते हैं टॉप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप का आइकन देखने को मिलेगा। इस व्हाट्सअप के आइकन पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेक व्हाट्सअप स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाए हैं तो पिन डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप उन स्टेटस को वॉच कर लीजिए। देखिए मैं देख लिया इन स्टेटस को, देख सकते हैं मैं स्टेटस वॉच कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब बैक जाना है MI ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे आप कर दीजिए इस परमिशन को अलाउ। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो जो आपका स्टेटस व्हाट्सएप के अंदर लगा था और जो जो आपने वॉच किया वो सारे के सारे यहाँ पे आपका डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, ना हम इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए, ना हम अपने फाइल मैनेजर के अंदर सो हिडन फाइल करके स्टेटस के ऑप्शन में जाकर अपने स्टेटस को डाउनलोड किए, सिर्फ हमने Xiaomi MI ब्राउज़र के अंदर हमने एक ट्रिक को लगाया और उसके बाद हमारा सारा स्टेटस डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से आप अपने Xiaomi ब्राउज़र के अंदर एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने सारे WhatsApp के स्टेटस को, वीडियोस को यहीं से एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अपडेट पसंद आई होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने Redmi वाले दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।